छोटी मगर काम की बातें। खाना हमेशा चबा चबा कर खाना चाहिए ताकि आपके दांत को ज़्यादा और पेट को कम मेहनत करना पड़े। रोटी कम लेकिन सब्जी ज़्यादा खाना चाहिए। दोस्तों, कुछ लोगों की आदत होती है कि वह खाते समय टीवी देखते हैं, लेकिन खाते समय टीवी देखने की आदत अच्छी नहीं होती है। दोस्तों, बॉडी में विटामिन डी की कमी ना होने दें, इसलिए कुछ देर सूरज की रोशनी में ज़रूर बैठें। बहुत ज़्यादा कैलोरी लेने से बचें, मतलब कोल्ड ड्रिंक के बजाय नींबू पानी, और मीठे के लिए सफ़ेद चीनी के बजाय गुड़ या शहद का इस्तेमाल करें। खाते समय छोटी प्लेट का इस्तेमाल करें और दूसरी बार खाना खाने से बचें। बेशक आपका उद्देश्य वजन कम करना है, लेकिन ध्यान रखें कि आपको संतुलित आहार ही लेना है ताकि बॉडी में किसी भी प्रकार के पोषक तत्व की कमी ना होने पाए। दोस्तों, खाने का समय निश्चित करें और रोज़ाना उसी समय पर खाना खाएं। रात का खाना हल्का रखें और सोने से कम 3 घंटे पहले ज़रूर खा लें। दोस्तों, भोजन के समय को ना टालें, क्योंकि इससे आप ज़्यादा भूखे हो जाएंगे और अधिक भोजन करेंगे। खाने में ऊपर से नमक डालने से बचें, क्योंकि यह जहर का काम करता है। दोस्तों, कई महिलाओं को और पुरुषों को सुबह सुबह बिस्तर पर ही चाय या कॉफ़ी पीने की आदत होती है, इससे एसिडिटी और जलन होती है। खाने के साथ फल खाने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे शुगर डबल हो जाता है। एक दिन में कम से कम 10 से 12 गिलास पानी ज़रूर पीना चाहिए। रात को सोने से पहले तांबे के बर्तन में पानी भर कर रखें और सुबह खाली पेट इसे पी लें। दिन में चाय पीने का मन हो तो दोस्तों हर्बल टी पिएं, जैसे ग्रीन या लेमन टी, इससे इम्यूनिटी बढ़ती है। खाना खाते समय पानी ना पिएं, भोजन करने से 15 मिनट पहले पानी पिएं, इससे पाचन अच्छा रहता है, और अगर पानी गुनगुना करके पिएं तो और अच्छा रहता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।